कितने सुंदर गिफ्ट्स हैं। ये किसके लिए है पापा? इस दुकान पर ऑफर है, बताओ तुम कौन सा लोगे? मैं ये लूंगी, ये वाला, ये लूंगी। चलो भी, बताओ तुम्हें क्या लेना है? मैं सबसे बड़े वाला बॉक्स लूंगा। मैं भी वो वाला। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और इसमें ज्यादा अच्छी चीजें होंगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है? आओ चलो, चलकर लंच करते हैं और फिर मैं तुम्हें दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, दो छोटे से भालू थे जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनका नाम था हैरी और चार्ली। एक दिन जब वो दोनों बीच पर खेलकर वापस आ रहे थे, उन्होंने सड़क पर एक बहुत ही अजीब सा लैंप देखा। अरे ये क्या है चार्ली? मुझे नहीं पता हैरी, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है जैसे एक जादुई लैंप। मैंने इसे पहले देखा था, ये मेरा है। नहीं, मैं यहाँ पहले आया था, ये मेरा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे दो, ये मेरा है, मुझे दो, मुझे दो। ठीक है ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, इन छोटी छोटी चीजों पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। तुम सही कह रहे हो, चलो एक काम करते हैं, चलो इसे एक साथ रगड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलो यही करते हैं। एक, दो, तीन। आज मुझे क्या मिलने वाला है? क्या एक साथ दो दो आका? हाँ, हम दोनों ने ही तुम्हें आजाद किया है, तुम बताओ कि तुम हमें क्या दोगे? देखता हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए है कागज की दो पर्ची। है, मेरे पास तो बस यही है, मैं तो सबसे गरीब जिन्हीं में से एक हूँ, लेकिन इन पर्चियों पर कुछ लिखा हुआ है, इनमें से तुम जो भी उठाओगे मैं तुम्हें वो चीज दे सकता हूँ। अच्छा, तब तो मुझे पर्ची पहले उठानी चाहिए, क्योंकि ये लैंप मैंने पहले देखा था। मुझे देखने दो, ये है पहली, इसमें क्या लिखा है? एक पर्स और न जाने क्या क्या, हद है, ये बेकार सा पर्स किसे चाहिए। अब ये दूसरी पर्ची देखता हूँ और इसमें लिखा है 1000 सोने के सिक्के, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे तो यही पर्ची चाहिए। खैर, तब तो मैं पर्स वाली पर्ची रख लेता हूँ। बहुत बढ़िया, जल्दी फैसला लेने और मेरा वक्त बर्बाद न करने के लिए शुक्रिया, साथ ही मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, अपने तोहफों का मजा लो। वैसे ये पर्स देखने में कितना बेहुदा है, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात से नाराज नहीं हो चार्ली। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाद में मिलते हैं दोस्त। दोनों ही भालुओं ने अपने तोहफे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। हैरी, जिसे हमेशा से ही चकाचौंध वाली जिंदगी पसंद थी, उसने अपना सारा पैसा बड़े घर, बढ़िया फर्नीचर और बहुत सारे नौकरों पर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ चार्ली, जितना भी पैसा उसके पर्स में होता था, उसे बहुत ही सोच समझकर खर्च करता था। लेकिन 6 महीने बाद, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं सर? प्लीज सर,
कुछ तो दे दीजिए। हैरी हैरी, क्या ये तुम हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? ओ नहीं चार्ली, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारे पास तो इतना सारा पैसा था। मैं तुम्हें क्या बताऊं चार्ली, तुम्हें तो मेरी आदतें पता ही है। मैं अक्सर महंगी चीजें खरीदता और सारा पैसा खर्च कर देता था। मैंने बहुत सारे नौकर रखे और मुझे उन्हें पैसे देने पड़े। मुझे बाकी बहुत सारी चीजों के लिए भी बहुत सारा पैसा देना पड़ा और इस तरह मेरा सारा पैसा खत्म हो गया और मुझे दूसरे लोगों से उधार लेना पड़ा। और एक दिन जब मैं किसी का उधार नहीं चुका पाया, उन्होंने मेरा घर छीन लिया और मुझे सड़क पर फेंक दिया। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन हम दोनों दोस्त हैं, यहाँ आओ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। ओह, वैसे अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक कप गर्म कॉफी मिलेगी क्या? आओ मेरे साथ चलो। लेकिन तुम बहुत अमीर हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस जीनी ने तो तुम्हें एक छोटा सा पर्स दिया था, है ना? हाँ। तो तुम्हारे पास ये सब आया कहाँ से? ओ, तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि तुमने पर्ची को पूरा नहीं पढ़ा था हैरी। रुको, मेरे पास वो पर्ची अभी भी है। लो पढ़ो इसे। एक पर्स जिसके सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे। ओ नहीं, ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा ही हुआ था हैरी, तुमने जल्दबाजी में एक गलत फैसला लिया। मैंने कभी पैसे खत्म न होने वाला पर्स चुना और अब मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। ओ नहीं। लेकिन चिंता मत करो, हम दोनों दोस्त हैं ना, हम बड़े आराम से इस घर में एक साथ रह सकते हैं। इस घर में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। आपने सही कहा पापा, हमें अच्छे से पढ़कर फैसला करना चाहिए। हाँ, मैंने तो सोच लिया। तुमने क्या सोचा है? मुझे अभी भी बड़े वाला गिफ्ट बॉक्स ही चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।